ओए है! तुम क्यों आए हो यहाँ? अपने छोटे मालिक को बुला। हुक्म तो इस तरह चला रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। दावत वाले दिन निकाले गए थे, भूल गए? अरे उठो, निकलो यहाँ से। मर गया। विजय, ये क्या बदतमीजी है? नंदू, माँ ने तुम्हें बुलाया है। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। माँ की तबीयत बहुत खराब है नंदू, वो तुम्हें देखना चाहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। मेरे धनवान बनते ही सब मुझ पर गिद्ध की तरह झपट्टा मारने में तुल गए हैं। नंदू, जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन भाइयों ने तुझे इतना प्यार दिया, वो आज किधर है? ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती, दलील कमीने? विजय, जवान संभाल के बात करो। मेरे घर में आकर मुझे गालियां दे रहे हो, गुंडे बदमाश! कोई बात नहीं नंदू, तुम अपना गुस्सा निकाल लो। मैं माँ के लिए सब कुछ सहन कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ। मैंने कह दिया एक बार कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम निकल जाओ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे या नहीं? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? नंदू, विजय, क्या हो रहा है? जी, छोटे मालिक कुर्सी से उलट गए थे, मैंने उठा रहा था। तो कैसे आना हुआ? जी, माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। उनकी इच्छा छोटे मालिक को देखने की है, इसलिए मैंने बुलाने चलाया था। अच्छा, तो जाओ ना नंदू। लेकिन पिताजी, मुझे मिलना बहुत जरूरी काम है। माँ तुमसे मिलना चाहती है और तुम काम का बहाना करते हो। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कैरोल, बहुत अच्छे लड़के हो, भगवान तुम्हारी माँ को जल्द अच्छा करे। और देखो, कल आकर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी, बहुत अच्छा। माँ, देखो कौन आया है। नंदू, तू आ गया बेटा। मुझे विश्वास था तू अपनी माँ को देखने जरूर आएगा। मेरे पास आके बैठ। मैंने तुझे डांटा, फटकारा, उसी का ये सब फल मिला है मुझे। तू समझा था ये तेरी वजह से हुआ है, इसी दुख के कारण नहीं आ रहा था ना। भोला ने बताया तेरे पास माँ से मिलने के लिए समय नहीं है, ये तो पक्का झूठा है। बेटा, मैं जानती हूँ तुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। कोई जरूरी काम छोड़कर तो नहीं आया ना? अरे, कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? मुझसे नाराज है क्या? नहीं माँ। एक ही प्रार्थना है, तू भले ही मेरे साथ कुछ भी सलूक कर ले, लेकिन अपने बड़े भाई की हमेशा इज्जत करना और छोटे से प्यार। बस माँ, अब छोड़ो भी इस बात को, उठो, तुम्हारी दवा का वक्त हो। नंदू, ये लो, अपने हाथ से माँ को दवा दिला, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये क्या माँ, ये रुपए कहाँ से आए? हाँ, सेठ जी आए थे, अस्पताल के खर्च के लिए जबरदस्ती रख गए। पिताजी, आप यहाँ? लेकिन ये अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? ताकि तुम्हें सच्चाई की रोशनी दिखा सकूं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं, आओ बैठ। जानते हो तुम कौन हो? मैं कौन हूं, क्या मतलब? तुम किसके बेटे हो?
जी मैं आपका बेटा हूं, लेकिन अचानक ही सवाल क्यों? इसलिए कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कल्याणी की ममता थी कि तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए उसने चाल खेली, और बेटे के प्यार में तड़पते हुए मेरे दिल ने उसकी बात का विश्वास करके तुम्हें सीने से लगा लिया। और अब आपसे कहा गया है कि यह झूठ है, मैं आपका बेटा नहीं। पिताजी, आप भी उन झूठे लोगों के बहकावे में आ गए जो मुझसे जलते हैं, मेरे खिलाफ हैं। कौन झूठे लोग? तुम्हारी देवी माँ, तुम्हारे प्यारे भाई जिनके साथ तुमने झोपड़े में परवरिश पाई और जिन्होंने तुम्हें इस बंगले में बिठा दिया, उनके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं, सच है। मुझे सब पता है कि आप माँ से मिले अस्पताल गए थे और जरूर उसने आपके कान धरे होंगे। तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। आपके कहने से क्या होता है? आपने तो सारी दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा माना है। अब अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो मैं भी एक पुतले की तरह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कर लोगे तुम? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे धमकी देने की? मैं कल ही सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरे कोई नहीं हो। मैं तुम्हें हर अधिकार से बेदखल कर दूंगा। ऐसा करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा। मुझे जो कुछ मिला है उसे अगर वापस लेने की कोशिश की गई, वो चाहे कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कल्याणी जैसी महान स्त्री तुम जैसे नीच को जन्म दे सकती है। की लीला है, ऐसे देवता पुरुष की हत्या तो किसी राक्षस ने की होगी। इंस्पेक्टर साहब, दुश्मनी तो क्या, उनका तो किसी के साथ झगड़ा तक भी नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि पूरन ने बताया, एक बार घर में भी उन पर हमला हुआ था। जी हाँ, तब मैंने भाई साहब से कहा भी था कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो किसी का बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देते थे। पुजारी जी के बयान के मुताबिक वो तकरीबन 12 बजे रात को मंदिर में गए थे। क्या आप बता सकते हैं इतनी रात को वहाँ क्यों गए होंगे? जी, वो जब बहुत परेशान होते थे मंदिर चले जाते थे। लेकिन कल रात उन्हें क्या परेशानी थी? कल रात नंदू से उनका झगड़ा हुआ था। जी, कैसा झगड़ा? मैंने भाई साहब को नंदू से ये कहते हुए सुना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, और नंदू ने इसके जवाब में कहा, अगर किसी ने मेरा अधिकार छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या ये सच है? किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे थे। दरअसल मैंने धमकी उसी के बारे में दी थी इंस्पेक्टर। मैं सच कहता हूँ, पिताजी की मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। असलियत का पता तो पुलिस लगा ही लेगी। आप लोगों के अलावा और कौन रहता है इस घर में? सुनीला के पिता स्वामी जी, मगर वो भी रात से लापता है। यहाँ तुम्हारे
किसने किया? भैया तीन चार आदमी आए थे, उनमें से एक आदमी लंबा कोट पहने, टोप लगाए, सफेद नकाब पहने था, तो लोग मुझे बांधकर माँ को उठाकर ले गए। सफेद नकाब, ऐसे आदमी को तो मैंने कहीं देखा है। आज इतनी देर क्यों कर दी? क्या बताऊं, पुलिस हम पर नजर रख रही है, अब मैं कुछ दिन यहाँ नहीं आऊंगा। ठीक है जाओ, मगर होशियार रहना। कौन है? मैं देखती हूँ। क्या बात है? क्या बात है? पुलिस, चुप जाओ, नहीं चुप जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? और तू, तू इधर कैसे आया? अभी पता चल जाएगा। वो कहाँ है जो अभी यहाँ आया? यहाँ यहाँ तो कोई नहीं आया। हवलदार, तलाशी लो। लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, ये जो भोला है ना, एकदम गुंडा है, इसकी हमारे साथ दुश्मनी है, इसी ने शरारत की होगी। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो नकाबपोश। इंस्पेक्टर साहब देखिए इसकी शरारत है, गैप भी इंसान को लेके आ गया। बड़ी कौन है तुम, इधर कैसे आया? बनो मत, सब सच बताओ, ये कौन है जिसे तुम दोनों ने यहाँ छुपाया? मुझे क्या मालूम? तुम्हें सब कुछ मालूम है। इससे पहले कि मैं इसका नकाब हटाऊं, तुम ही बता दो कि ये कौन है, नहीं तो इसे छुपाने के इल्जाम में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करूंगा। ये सिर्फ जगन्नाथ का भाई बलराम है। ये बलराम है? लफंगे बदमाश, तुम? मैं बदमाश और आप लोग शरीफ। पैसे की लालच में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब पता चला कि आप दोनों बलराम के साथ मिलकर हीरे जवाहरात की स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग कौन नहीं करता, पर ये कि हम पकड़े गए। इंस्पेक्टर साहब, जरा हमारी प्राइवेट बात सुनो। नहीं, शट अप, हवलदार ले चलो इन दोनों को। साईं, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो ना। चलो सेन, सही बनता। बलराम, जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ? मैं हूँ सेठ जी की दौलत का असली हकदार। बलराम? हाँ बलराम, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस कागज पर दस्तखत कर दो कि विजय, नंदू और भोला कोई भी सेठ जी का बेटा नहीं है। तुम मुझे जान से भी मार डाले तो मैं झूठ का साथ कभी नहीं दूंगी। फिर नहीं। सरकार, सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ? पुलिस ने शादीलाल को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बलराम। मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ, ये मुझसे पूछ रहे हो? वो तो अस्पताल में थी। बनने की कोशिश मत करो,
उनको अस्पताल से किसी नकाबपोश ने गायब किया है और शादीलाल ने पुलिस में बयान दिया है कि वो नकाबपोश। हे भगवान, शादीलाल इतना जलील भी हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम था। जानते हो उसने मुझे फंसाने की चाल क्यों खेली? इसलिए कि वो अपने होने वाले दामाद की करतूत पर पर्दा डाल सके। बलराम, तुम नंदू पर इल्जाम लगा रहे हो। याद रखो, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले, मैं अपनी माँ का पता जानने के लिए तुम्हारा गला दबा दूंगा। दबा दो मेरा गला, मार डालो मुझे। मेरी मौत से तुम्हारी माँ का पता तो नहीं चलेगा। हाँ, मैं भाई साहब की मौत के सदमे से छुट्टी पा जाऊंगा। चाखा सेठ जी। हाँ विजय, कल रात किसी ने गोली मारकर भाई साहब का खून कर दिया। खून? किसने किया ये बात? किसने? नंदू ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उसे जायदाद से बेदखल किया गया तो वो उनका खून कर डालेगा। नहीं, नंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता। पैसे का लालच आदमी से क्या नहीं करा लेता। भगवान करे नंदू बेकसूर साबित हो, लेकिन लगता तो यही है कि भाई साहब की मौत और कल्याणी बहन के गायब होने में सबसे ज्यादा उसी का फायदा है। वो शायद तुम्हारी माँ से लिखवा लेगा कि वही भाई साहब का असली बेटा है। विजय, मुझे तो डर है कि कल्याणी बहन की जान भी खतरे में है। नंदू जलील पैसे का लोभी इतना गिर गया है। कहाँ है वो? सुबह से घर में नहीं है। कहाँ गया? ड्राइवर कह रहा था कि वो सुबह उसे हमारी मिल के पुराने गोदाम में छोड़ के आया है। मुझे माफ कर दो बेटा, जो मैंने तुम पे शक किया। मुझे क्या पता था कि स्वामी के भेष में शैतान भी हो सकता है। कहाँ है वो? क्या क्या उन्होंने? वही तो सारे फसाद की जड़ है। विजय ने स्वामी से मिलकर कल्याणी बहन को अस्पताल से गायब करके अपने मिल के पुराने गोदाम में बंद कर दिया है। मैंने तो जब से सुना है मेरा खून खोल रहा है। विजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो माँ को भगवान से भी ज्यादा मानता है। अब रिश्ते और भगवान के बीच में दौलत आ गई है, और फिर कल्याणी उसकी सगी माँ तो है नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उन लोगों की चाल बता रहा हूँ। मेरे लिए इस घर का मालिक वही है जिसे भाई साहब ने माना है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही भाई साहब को रास्ते से हटाया होगा, और अब कल्याणी बहन पर अत्याचार करके जबरदस्ती लिखवा लेंगे कि तुम नहीं, विजय ही सेठ जी का बेटा है। फिर सुनीला और विजय की शादी हो जाएगी और तुम इस घर से निकाल दिए जाओगे। विजय इतना कमीना निकला, मैं उसकी जान ले लूंगा। नंदू बेटा, झगड़ा फसाद मत करना, मैं पुलिस को लेकर अभी पहुंचता हूं। बेटी, जब नंबर एंगेज हो तो थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। वो मैं चाचा जी मीना मंजू को फोन कर रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की बातें छिपकर सुनो और फिर किसी और को बताने की कोशिश करो। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी हो। आप दोनों भाइयों को एक दूसरे के जान के दुश्मन बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो मैं देख लूंगा। चलो मेरे साथ। चलो चलो। चाचा जी, आप चाहे तो सारी दौलत ले लीजिए, मगर नंदू और विजय को रोकिए, वो एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। खबरदार, माँ बाहर लगाया था। कहाँ छुपा हुआ था कमीना? कमीने, मेरे तारे से जलने वाले नीच, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कह दिया ना कि यहाँ कोई इजे विजय नहीं आया, चल यहाँ से। अबे जा। हे,
लोग मरने मारने पर तुले हो और असली अपराधी तमाशा देख रहा है। ये तुम क्या कह रही माँ? कौन है असली अपराधी? बलराम, वही मुझे अस्पताल से उठाकर लाया और मुझसे जबरदस्ती लिखवाना चाहता था कि तुम में से कोई भी सेठ जी का बेटा नहीं। हाँ भैया, बलराम ने ही तुम दोनों को भड़काया है। सुनीला ने सब कुछ सुन लिया, उसने सुनीला को भी कोठरी में बंद कर दिया। अगर भगवान नहीं पहुंचता तो आज सर्वनाश हो जाता। भाई भाई आपस में लड़ मरते। बेटों की हमेशा रक्षा करना। इनकी रक्षा तो अब मैं करूंगा। बलराम विजय चंदू, नहीं नहीं बेटा नहीं। अच्छा ही हुआ सारा भेद खुल गया। अब मुझे शराफत का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। अगर कल्याणी ने इस कागज पे दस्तखत न किए तो 4 तुम लोगों के काम आएगी। मां हरगिज दस्तखत नहीं करेगी। अच्छा तो कल्याणी, पहले इन तीनों में से इसकी लाश को तड़पते देखना चाहती हूँ। बलराम, मुझे अपने बच्चों की जान प्यारी है, तू चाट इस दौलत को और ला मदद कर देती। ठहरो कल्याणी। भाई साहब, मुझे देख कर डर गया बलराम। पिस्तौल की गोली से बचने के लिए मैं पानी में गिरा था और फिर स्वामी की मदद से पुलिस वालों के साथ मिलकर मैं ये जानना चाहता था कि मेरा दुश्मन कौन है। अगर अफसोस, दुश्मन निकला सगा भाई। आप जो भी समझे, लेकिन अब मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे, छोड़ो, बांध कर फेंक दो समंदर में। बलराम, जाओ जल्दी। साहब,
सबसे पहले मेरे इस कमीने भाई को गिरफ्तार करो। ये न सिर्फ मेरी दौलत का भूखा है बल्कि मेरा खून ही भी है। भाई साहब, मैं अपना हर गुनाह कबूल करता हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए, आप पर गोली चलाने का पाप मैंने नहीं किया था। तो फिर वो कौन था? शादीलाल। साईं, मैं तो कबूल करता हूँ नहीं कि मैंने गोली चलाई थी, मगर मेरा इनको मर्डर करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। ये तो बस गोली चल गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन ऐसा नीच काम करने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? साईं, नीच काम करने से पहले आदमी सोच सके तो फिर नीच काम करे क्यों? इसलिए मैंने भी नहीं सोचा। ये जो स्मगलर है ना बलराम, मैं भी इसके साथ पार्टनरशिप में थोड़ी सी हीरे जवाहरात की स्मगलिंग कर लेता था। उस रात भी इसी काम के लिए मैं बलराम और शांति के साथ समुंदर के किनारे चला गया था। बड़ी क्या बात है, अभी तक बोट नहीं आया। अरे भाई साहब, मैं जाता हूं। शादीलाल, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो नकाबपोश कौन था? नकाबपोश? अजी, हमने तो किसी नकाबपोश को नहीं देखा। किसी को नहीं देखा? देखो शादीलाल, सच सच बता दो, जानते हो एक रोज इसी नकाबपोश ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी? अरे राम, सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। सेठ जी, आप बेकार की धमकी दे रहे हैं, हमने कह दिया ना हम कुछ नहीं जानते। तो तुम सीधी तरह नहीं बताओगे? ठीक है, फिर बाद में ये नहीं कहना कि जगन्नाथ ने तुम्हें जेल में भिजवा दिया। मगर जगन्नाथ, तुम्हें तो हमेशा भगवान पर विश्वास रहा नहीं, इसलिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा की और मैं तुम्हारी हत्या के पाप से बच गया। मुझे तो अब अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, मगर तुमसे एक प्रार्थना है, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। वो ना हो कि बाप के गुनाह की सजा उसकी औलाद को भुगतनी पड़े। मेरे बच्चों, आज से मेरा सब कुछ तुम लोगों का। पिताजी, जिस दौलत ने हमारे भाई को इतना बदल दिया था, जिस दौलत के लिए आपके भाई ने क्या क्या नहीं किया, अब इस दौलत से हमें डर लगता है। बेटा, तुम लोगों के बिना ये दौलत मेरे किस काम की? तो आप अपनी दौलत नेक कामों में लगा दीजिए पिताजी। जरूरत से ज्यादा पैसा रखना उन लोगों के साथ अन्याय है जो अपना पेट तक नहीं भर सकते। विजय बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम तो ठीक समझते हो, करो। मेरी असली दौलत तो तुम ही लोग हो। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम लोगों को फलते फूलते देखो। और मेरी पहली इच्छा ये बाबूजी कि हम तीनों भाई कल से आपकी फैक्ट्री में दूसरे मजदूरों की तरह काम पे लग जाए और तनख्वाह की एक एक पाई लाकर माँ के चरणों में रख दे। आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन तीनों की तरह संपत्ति के सुख चैन को ठोकर मारकर कर्म को अपनाने वाले नौजवान ही इस देश के कलयुग को सत्य युग में बदल देंगे। वही सच्चा समाजवाद होगा स्वामी जी।